नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों, आज एक बार फिर इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ फ्री इंटरनेशनल कोर्सेज के बारे में जो फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करा रही है फायर सेफ्टी से रिलेटेड, तो उसके बारे में वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या ड्यूरेशन है उनकी, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है पूरा कोर्स कंप्लीट करने का और फिर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का। तो सारी डिटेल मैं वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पे आती रहती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं एक डेमो दिखाता हूँ। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ILO। ये इसका ऑफिशियल पेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ILO.org। और इस पे जो कोर्स की डिटेल है वो ये एक कोर्स की डिटेल यहाँ पे दिख रही है आपको, जो और कोर्सेज हैं उनकी डिटेल मैं आगे मैं आपको बताऊँगा। तो पहला जो कोर्स है वो फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो ILO की वेबसाइट है वो ये है। जब आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ये वेबसाइट आपको रीडायरेक्ट करेगा एक दूसरी वेबसाइट पे, तो इसलिए मैंने आपको इसकी ऑफिशियल साइट को खोल के दिखाया है। अब आगे देखेंगे ये कौन कौन से कोर्सेज हैं और किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, आपके ब्राउज़र में खोलना है ITCILO.org। पिछला जो ऑफिशियल साइट था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का था वो था ILO.org। ये ITC जुड़, ITC का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर और ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इस पेज पे आना है। इस पेज को खोलने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है कोर्सेज पे। कोर्सेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक विंडो खुल के आती है अलग से। इसमें क्या करना है, आपको टाइप में जाना है और टाइप में जो फ्री का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसे अप्लाई कर देना है। जब आप इसे अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपको 25 ऐसे अभी कोर्सेज हैं जो ILO प्रोवाइड कर रहा है आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसमें से जो काम के कोर्सेज मुझे लगे दो फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड, वो कोर्सेज ये दो कोर्सेज हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वीडियो में। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं कोई कोर्स करना चाहते हैं इसमें तो आप कर सकते हैं। ये सारे जो अभी डिस्प्ले हो रहे हैं सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और साथ में आपको इसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी कोर्सेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं ये ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, किसी और लैंग्वेज में ये अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम खोल के देखते हैं फायर इंस्पेक्टर का जो कोर्स है इसके बारे में, और जो दूसरा कोर्स है वो फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का है। तो पहले कोर्स के बारे में हम देखते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ओवरव्यू सा खुल के आएगा। द कोर्स इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश, इसके अलावा और कुछ लैंग्वेजेज हैं बट हिंदी में ये नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। इस कोर्स के बारे में और भी डिटेल जानने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है गो टू ई कैंपस पर। ई कैंपस की साइट जैसे ही खुल के आएगी यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे नीचे में, एक न्यू पार्टिसिपेंट्स और दूसरा लॉगिन का। जहाँ तक मुझे पता है आपने पहले से इस पर साइन अप नहीं किया होगा, तो आपको क्या करना है, न्यू पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करना है। आपको इसकी एक आईडी जनरेट करनी है, इसके लिए आपको एक यूज़र नेम डालना है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, जो आपका नाम है डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड डालना है आपको। पासवर्ड डालने में एक चीज़ ध्यान रखना है कि 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए और एक अपर केस का लेटर होना चाहिए इसमें। और इसके बाद आप ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कराएंगे, ईमेल एड्रेस दोबारा प्रोवाइड कराएंगे, फिर फर्स्ट नेम, सरनेम, सिटी टाउन जहाँ रहते हैं, जेंडर प्रोवाइड कराएंगे, रेसिडेंट, नेशनैलिटी, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम करते हैं या स्टूडेंट हैं वो चूज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल इसमें लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये और वेबसाइट कुछ परमिशन मांगती है कि आपको ITC ILO से कोर्सेज से रिलेटेड आपको मेल चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं या सर नो। उसके बाद आप आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको क्रिएट माई न्यू अकाउंट करना होगा। तो मैंने ये अकाउंट अपना पहले क्रिएट कर रखा है, मैं एक कोर्स कर भी रहा था वो अभी अधूरा ही है, पूरा नहीं हुआ है। तो मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ कि किस तरीके से होगा। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे आने के बाद आपको आपको ईमेल आईडी डालनी है अपनी और जो पासवर्ड आपका था वो पासवर्ड इसमें एंटर करना है। लॉगिन करने के बाद ई कैंपस में लॉगिन हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका नाम लिख के आएगा और पूरी डिटेल आएगी, आपने कौन कौन सा कोर्स किया है, क्या आगे मैं बताऊँगा उसके बारे में। अभी पहले हम कोर्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कोर्स है इसके दो मॉड्यूल हैं, जो मॉड्यूल 1 है वो फायर सेफ्टी इंस्पेक्शंस है। ये 120 मिनट का है, कुल 120 मिनट टाइम लगेगा इसको पूरा करने में आपको। और इसमें क्या है कि जब ये आप मॉड्यूल पूरा कर लेंगे तो एक फाइनल टेस्ट होगा आपका। उसके बाद अगर आप उस टेस्ट में पास करते हैं तो आप यहीं पर क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं जो इस मॉड्यूल का होगा। जो दूसरा मॉड्यूल है वो 45 मिनट का है, इसका नाम है इमरजेंसी एक्शन प्लान EAP। और इसमें भी ऐसा ही है, जब ये मॉड्यूल कंप्लीट होगा तो आप आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे, क्विज आएगा, उसके बाद आप पास करते हैं अगर तो आप यहाँ पे
अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सर्वे हैं जो आप अगर चाहते हैं तो प्रोवाइड करा सकते हैं। एक अच्छी बात है इस कोर्स की कि आप अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं है तो आप इसे ऑफलाइन डाउनलोड करके भी चला सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए ये ऑप्शन है ऑफलाइन, यहाँ पे ऑफलाइन वर्जन का। यहाँ पे आप क्लिक करके जो भी मॉड्यूल डाउनलोड करना चाहते हैं उसे जी फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। अब इन दोनों मॉड्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं क्या क्या इसमें कंटेंट है। तो जो पहला मॉड्यूल है फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन का, इसमें ये आपको कंटेंट मिलेंगे पढ़ने को। इंट्रोडक्शन है, डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, इवैक्यूएशन रूट्स, सेपरेटिंग जोन्स एंड कंपार्टमेंट, एक्सेस टू फायर ब्रिगेड्स, वर्चुअल इंस्पेक्शन विजिट, फाइनल टेस्ट। उसके बाद जो दूसरा हमारा मॉड्यूल है इमरजेंसी एक्शन प्लान्स, इसमें जो आपको कंटेंट मिलेगा पढ़ने को, जो टॉपिक्स मिलेंगे वो है टिपिकल फायर इमरजेंसी एक्शन प्लान कंटेंट, फायर इमरजेंसी एक्शन प्लान टेम्पलेट्स और फाइनल टेस्ट। तो ये इसके टॉपिक्स हैं जो इन दो मॉड्यूल में हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना है कि जब आपको ये एंटर करना है इसमें, तो इस पिक्चर पे आपको क्लिक करना है, आपका जो कोर्स है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ से एंटर करने के बाद आप कोर्स में एंटर कर सकते हैं। ये एक नया विंडो खुल के आएगा और इसमें जो कोर्स है वो शुरू हो जाता है। कोर्स में आगे बढ़ने के लिए कुछ इसमें एनिमेटेड पिक्चर्स हैं, कुछ स्लाइड की तरह आते हैं। तो आपको अगर कोर्स में आगे बढ़ना है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मॉड्यूल शुरू हो गया। आप ऐसे स्लाइड्स के थ्रू ये ऐसे शो करता रहेगा जैसे जैसे हम नेक्स्ट करते जाएंगे। हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको आंसर देना होता है। और जब मॉड्यूल ख़त्म होगा तो लास्ट में एक आपका फाइनल टेस्ट होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ दूसरे कोर्स के बारे में, जो दूसरा कोर्स था हमारा। इसके लिए हमें बैक आना पड़ेगा जहाँ पे हमने फ्री कोर्सेज सर्च किए थे। वहाँ पे आने के बाद फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का जो कोर्स है इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। फायर सेफ्टी मैनेजमेंट पे क्लिक करने पे भी फिर ऐसा ही एक विंडो खुल के आएगा। उसको कोर्स में एंटर करने के लिए आपको गो टू ई कैंपस पे जाना है। गो टू ई कैंपस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सेम वैसा ही एक इंटरफेस खुल के आएगा। तो इसमें भी मॉड्यूल दिखाएगा। ये पहला एक ओवरव्यू वीडियो है जो आपको ओवरव्यू देगा इस कोर्स का पूरा। उसके बाद पहला जो मॉड्यूल है उसका नाम है फायर सेफ्टी इन बिल्डिंग्स। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं वो है फायर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड अलार्म, इवैक्यूएशन रूट, सेपरेशन जोन, फायर ब्रिगेड एक्सेस। और इसकी जो टाइमिंग है ये पर टॉपिक्स के हिसाब से है। जो टॉपिक्स ऊपर हैं उसके नीचे उसका टाइम भी दिया हुआ है, क्या टाइम लगेगा, कौन से टॉपिक को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। और सेम प्रोसीजर इसमें भी है। आप जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट करेंगे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। और जब भी आपका पूरा मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक फाइनल टेस्ट देना होगा। उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। मॉड्यूल वन में दूसरा सेक्शन और है, ये वर्चुअल बिल्डिंग विजिट होती है। मतलब फोटोग्राफ्स के माध्यम से ये सिनेरियो दिखाते हैं आपको और आपको उसमें देखना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। इनके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके हिसाब से आपको आंसर देना होता है सिनेरियो बेस्ड। जैसा मैंने बताया कि जो भी आप जितने भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे मॉड्यूल वन में उनके वैसे ही टेस्ट होते जाएंगे। इसके बाद आपका फाइनल टेस्ट होगा, वो 10 मिनट का होगा करीब। उसके बाद जो दूसरा मॉड्यूल आता है वो है 45 मिनट का। और यहाँ पे जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे या जब फाइनल आपका असेसमेंट हो जाएगा तो आप यहाँ से क्लिक करके आप सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले कोर्स की तरह इसमें भी ऑफलाइन वर्जन अवेलेबल है। अगर आपका जो नेटवर्क है वो कांस्टेंट नहीं है, जो नेट है वो सही नहीं चल रहा है, तो आप इसे ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसे स्टडी कर सकते हैं। तो जो भी आपको डाउनलोड करना है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक वाइज सारे जो सिनेरियो है वर्चुअल बिल्डिंग विजिट वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे मॉड्यूल टू में जो पूरा मॉड्यूल आप एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इसमें। जब आपको कोर्स शुरू करना है तो यहाँ पे जो पिक्चर है मॉड्यूल वन का इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे आप देखेंगे एंटर का ऑप्शन आता है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट अलाउड अनलिमिटेड, आप कितने भी बार ये अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके जो इसमें दिखा रहा है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू हैव मेड, मैं एक बार इसमें ऑलरेडी लॉग इन करके और कुछ जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर चुका हूँ, पर मेरा कवर नहीं हुआ है अभी तक पूरी तरीके से, इसलिए अभी इसमें ग्रेड वगैरह अभी शो नहीं कर रहा है। और अगर आपको आपका डैशबोर्ड देखना है कि आपने कौन कौन से कोर्स में इनरोल किया हुआ है और कितना कोर्स कम्प्लीट हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा ऊपर में और ये डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे। या फिर आपको आपने जिन कोर्सेज में इनरोल किया हुआ है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर आपको सारे देखने हैं तो आप डैशबोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही आपका एक डिटेल खुल के आएगा पूरा, इसमें टाइमलाइन खुल के आती है। और इसमें जो फायर इंस्पेक्टर का कोर्स है इसमें देखिए कि मेरा 0% दिखा रहा है, मतलब इसे मैंने अभी भी अटेम्प्ट नहीं किया है एक भी बार। लेकिन जो फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स है इसे मैंने 28% कंप्लीट किया हुआ है, बाकी अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए सर्टिफिकेट मैं आपको शो नहीं कर सकता। कंप्लीट होते ही
सर्टिफिकेट इंस्टा और फेसबुक पे आपको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं किस तरीके का इसका सर्टिफिकेट है। एक चीज़ और कि आप ऐप के थ्रू भी इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, एंड्रॉयड के लिए और एप्पल के लिए ऐप है मोबाइल, तो ई कैंपस ITC करके ऐप है, आप चाहें तो मोबाइल में डाउनलोड करके भी इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं चाहें तो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जब मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता हूँ कोर्स से रिलेटेड, तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर ये मोबाइल के लिए है कि नहीं है, मोबाइल में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें एक अच्छी चीज़ है, आप ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं आपको जब आप राइट साइड टॉप कॉर्नर पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपके रिलेटेड कुछ मैसेजेस, प्राइवेट फाइल्स, फोरम पोस्ट, डिस्कशन, माइग्रेट्स, बैचेस। तो जब आप कोई कोर्स कंप्लीट करेंगे तो फिर ये आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिलहाल अभी मेरा कोई कोर्स कंप्लीट नहीं है तो इसलिए कुछ खास है नहीं देखने को। बाकी सर्टिफिकेट किस तरीके से डाउनलोड करना है ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, एक बार फिर बता देता हूँ अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो जैसे ही आप कोर्स में एंटर करेंगे इसके ITC ILO के होम पेज से सर्च करने के बाद, अब जैसे ही कोर्स के मेन पेज में एंटर करेंगे, जैसे ये मैंने फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स अभी एंटर किया हुआ है, तो इसमें जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सेस योर सर्टिफिकेट। जब आप ये मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे और पास कर लेंगे तो फाइनल टेस्ट के बाद आप अपना सर्टिफिकेट एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। और जो दूसरा मॉड्यूल है इसका भी सर्टिफिकेट आप कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। तो लेकिन इसके लिए एक चीज़ है कि जब आप पूरा अपना जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट कर लेंगे, जो फाइनल टेस्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे असेसमेंट को, उसके बाद ही आप अपना सर्टिफिकेट एक्सेस कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं इसमें, जो 25 के लगभग कोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप चाहें तो कोई अगर आपको लगता है कि आपके काम का है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इस कोर्स को करके आप सर्टिफिकेट को अचीव करेंगे। जितने भी लोग इस कोर्स में एनरोल करने वाले हैं उन सबके लिए ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।